के खिलाफ चलेगा अभियान। निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने कलेक्टरों को दिए निर्देश। मतदान के दो दिन पहले से ही की जाएंगे वाहनों की जांचें। आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के कड़े निर्देश दिए हैं। तो राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव से पहले आज सामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान चलेगा। निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। मतदान के दो दिन पहले से वाहनों की जांच जो है शुरू हो जाएगी। आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जो है कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव से पहले आज सामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान चलेगा। आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ निर्देश दिए हैं। निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। मतदान के दो दिन पहले जो है वाहनों की जांचें शुरू हो जाएंगी। तो प्रदेश में निकाय चुनाव से पहले आज सामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान चलेगा। राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश में निकाय चुनाव से पहले आज सामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान चलेगा। निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। मतदान के दो दिन पहले से जो है वाहनों की जांच शुरू हो जाएगी। आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो चुनाव से पहले आज सामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान चलेगा। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। मतदान के दो दिन पहले से वाहनों की जांच शुरू हो जाएगी। आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो ऐसे में व्यक्तियों तथा उनके ठिकानों का पता लगाने को कहा है, निर्देश दिए हैं। बीपी सिंह ने कलेक्टरों को किसी व्यक्ति द्वारा शस्त्र के दुरुपयोग की आशंका हो तो लाइसेंस निलंबित कर शस्त्र को थाने में जमा कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। प्रदेश में निकाय चुनाव से पहले असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान चलेगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारी संवाददाता अमृतांशी जोशी जुड़ गए। अमृतांशी, चुनाव से पहले असामाजिक तत्वों के खिलाफ यह अभियान, क्या है पूरी जानकारी? निकी, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जैसे ही पंचायत और निकाय चुनाव करीब आते जा रहे हैं, यहाँ पर लगातार तैयारियां शुरू हो गई हैं और खास नज़र रखी जाने वाली है और खास अभियान चलाया जाने वाला है उन लोगों के खिलाफ जो कि प्रदेश में लाइसेंस रखे हुए हैं। हालांकि लाइसेंस के साथ शस्त्र रखने वालों के खिलाफ यहाँ पर लगातार अभियान चलाया जाएगा और इसी को लेकर जो है निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह उन्होंने निर्देश दे दिए हैं। साथ ही कलेक्टर ने भी इसको लेकर खास निर्देश दे दिए हैं कि मध्य प्रदेश में अब जो है जो खास अभियान चलाया जाने वाला है, जो भी आचार संहिता का उल्लंघन करेगा उनके खिलाफ यहां पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अगर शस्त्र का दुरुपयोग करते हुए कोई यहां पर नजर आ रहा है तो उनके खिलाफ भी यहां पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश में की जाएगी। देखिए, आचार संहिता जैसे ही लग जाती है तो निर्देश जारी कर दिए जाते हैं कि प्रदेश में जितने भी लोगों के पास शस्त्र लाइसेंस हैं, जो कि शस्त्र हैं लाइसेंस रखे हुए, उनको सभी को थाने में जमा करवाने के निर्देश यहां पर दे दिए जाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में हमने देखा है कि लगातार जो है बहुत से ऐसे लोग हैं, बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास लाइसेंस वाले जो शस्त्र हैं जिसको लेकर अभी तक लोगों ने थाने में जमा नहीं करवाए हैं। तो फिलहाल मध्य प्रदेश में लगातार ये अभियान चलाया जाने वाला है कि जो लोग भी लाइसेंस के साथ रखे हुए शस्त्र हैं उन्होंने अभी तक जमा नहीं करवाए हैं उनके खिलाफ यहाँ पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही भोपाल कलेक्टर ने भी इसको लेकर निर्देश दे दिए हैं कि जल्द से जल्द जो भी शस्त्र हैं वो थाने में जमा करवाए जाएँ और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा और जल्द से जल्द उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अगर इस दौरान चुनाव के दौरान यहाँ पर कोई भी दुरुपयोग करता हुआ नजर आता है, क्योंकि अब कुछ ही लोग हैं जो कि जो है लाइसेंस के साथ जो है शस्त्र रख सकते हैं, बाकी सभी लोग जिन्होंने लिए हुए हैं शस्त्र उनको जमा करने होंगे थाने में। लेकिन अगर कहीं पर भी ऐसा दुरुपयोग करते हुए कोई नजर आता है तो उसको लेकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर बसंत प्रताप सिंह जो निर्वाचन आयुक्त हैं उन्होंने निर्देश दे दिए हैं। हमने देखा है कि गाँव में ऐसे कई लोग हैं जो कि शस्त्र रखे हुए हैं, लाइसेंस हालांकि वो होते हैं लेकिन आचार संहिता के उल्लंघन को ये माना जाता है
है कि अगर कोई भी घर में ऐसे शस्त्र रखा हुआ रहता है, लेकिन अब मध्य प्रदेश में इनके खिलाफ यहाँ पर अभियान चलाने की पूरी तैयारी निर्वाचन आयुक्त और कलेक्टर्स ने कर ली है, जहाँ पर खास निर्देश दे ही दिए गए हैं। साथ ही एक और खास बात मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो लोग भी जमा नहीं करवाएंगे उनको लेकर भी यहाँ पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो प्रदेश में अब आचार संहिता जब तक लगी हुई है तब तक शस्त्र नहीं इस्तेमाल किए जा सकेंगे, चाहे वो लाइसेंस्ड हो और अनलाइसेंस्ड जो होंगे उन पर तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, दुरुपयोग भी नहीं किया जा सकेगा। जी अमृतांशी, मतदान के दो दिन पहले से वाहनों की जांच शुरू हो जाएंगी? जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पे साफ दिख रहा है कि जैसे जैसे चुनाव पास आते जा रहे हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं तैयारियाँ भी तेज़ होती जा रही हैं। और ख़ास बात यह है कि दो दिन पहले ही वाहनों की जांच की जाएगी और ईवीएम की जांच भी यहाँ पर खास की जाएगी। वाहनों की जांच इसलिए भी ज़रूरी है, देखिए ऐसा हमने कई बार देखा है कि जब बैलेट बॉक्सेस पहुँचते हैं कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो हंगामा करती हैं। और अवैध शराब की अगर हम बिक्री की बात करें तो अवैध शराब की बिक्री चुनाव के दौरान काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसको लेकर एक खास अभियान यहाँ पर चलाने वाले हैं मध्य प्रदेश में, जहां पर अवैध शराब की बिक्री को लेकर खासा यहां पर हम देख रहे हैं कि जो है राज्य निर्वाचन आयोग के कलेक्टर जो है उन्होंने खास निर्देश दिए हैं कि जिस तरीके से चुनाव के दौरान अवैध शराब की बिक्री होती है उस पर जल्द से जल्द रोक लगाई जाए। और इसी को लेकर वाहनों की जांच जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में की जाएगी। वाहनों की जांच इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो हम कह सकते हैं जो गन होती हैं, जो लाइसेंस वाले शस्त्र होते हैं, कहीं ना कहीं लोग जमा नहीं करते और इसको लेकर खास निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। साथ ही अवैध शराब की बिक्री ना हो और बंटवारा ना हो चुनाव के वोट पत्र को लेकर, जहाँ पर लोग शराब की बिक्री करते हैं मतों के लिए उसकी भी बिक्री ना हो, इसको लेकर भी यहाँ पर वाहनों की जाँच लगातार की जाएगी। और ऐसी कई जाँच भी है, ज़रूरी भी है। और ईवीएम को लेकर भी जांच यहाँ पर की जाने वाली है, जहाँ पर ईवीएम का जो फर्स्ट चेकिंग लेवल है वो तो पूरा हो ही चुका है, लेकिन अब दूसरा लेवल भी इसका शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि जो पहले लेवल की चेकिंग है ईवीएम की वो पहले ही की जा चुकी है जनप्रतिनिधियों के सामने, लेकिन चुनाव के पहले दो लेवल चेक और भी होंगे। तो वाहनों की चेकिंग तो होगी ही, लेकिन ईवीएम पर भी खास नजर रखी जाएगी राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद। और प्रदेश में जल्द से जल्द पूरी तैयारियां की तो जा ही रही हैं, जहां पर अभियान चलाकर लाइसेंस वाली जो गन है और शस्त्र है उनको जमा करवाया जाएगा और उनको जब्त किया जाएगा। साथ ही मतदान केंद्रों पर भी जांच की जाएगी, पूरा सुरक्षा कंट्रोल रूम यहां पर बनाया जाने वाला है। आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास फौरन लौटेंगे। चेकिंग तो